नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। आगामी लोकसभा चुनाव को बहुत ही कम वक्त बचा है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना परिवार वाला बताते नजर आए, तो वहीं अब भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिया है। और तो और, आरजेडी की प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को पति चोर तक कह दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पति चोर ईरानी इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। स्मृति ईरानी की तरफ से दिए गए बयान को आरजेडी ने काफी गंभीरता से लिया है। स्मृति ईरानी के बयान के तुरंत बाद ही राजद की तरफ से पलटवार किया गया है। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने मोर्चा संभालते हुए स्मृति ईरानी की शारीरिक बनावट को लेकर हमला किया और साथ ही उनके चरित्र पर भी सवाल उठा दिया। सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को पति चोरी करने वाला बताया। आगे बढ़ने से पहले सारिका का ये बयान आप सुनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो, बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी करने के बाद सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को जमकर अनाप शनाप कहा। उन्होंने स्मृति ईरानी को गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ भी बताया। इसके बाद उन्होंने स्मृति ईरानी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उन्हें कुकुर जैसा भौंकने वाली भी बता दिया। इसके बाद सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को औकात में रहने की नसीहत भी दी। सारिका पासवान ने कहा कि बिहार की जनता भाजपा को समझ चुकी है। सारिका पासवान ने इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी को धमकी भरे लफ्जों में चुनौती देते हुए कहा कि बिहार की जनता काली पोतने के लिए तैयार बैठी है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा है। आगे बढ़ने से पहले स्मृति ईरानी का ये बयान भी आप सुनिए कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसीलिए हर युवा को बाहर आना है। इन सब खबरों के बीच ही स्मृति ईरानी का एक पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट अब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पति और सहेली के बारे में बोलती नजर आई। स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था, जिसमें उन्होंने सभी के सवालों के काफी अच्छे जवाब भी दिए थे। और इसी बीच में एक यूजर ने उनके पति जुबिन ईरानी की पहली पत्नी को लेकर सवाल कर दिया, जिसका जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि मोना उनकी बचपन की दोस्त नहीं है। स्मृति ने लिखा कि नहीं जी, मोना मुझसे 13 साल बड़ी है और इसीलिए उसका मेरी बचपन की सहेली होने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पारिवारिक है, पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए उसे इसमें मत घसीटो। इससे आगे स्मृति ईरानी ने यह भी लिखा कि मुझसे लड़ो, मेरे साथ बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ एक ऐसे इंसान को गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो सम्मान की पात्र है। तो आपने सुना स्मृति ईरानी का क्या कुछ सोचना है, तो इन सब पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।